व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रेडस्टोन से फार्म बना सकते हैं अपना ऑटोमेटिकली। आपको बस एक लीवर डाउन करना पड़ेगा तो आपका सारा फूड अपने आप कलेक्ट हो जाएगा। तो 5 ब्लॉक के फासले पे आपको एक चेस्ट लगानी है इस तरह, इसी तरीके से और इसी प्रोसेस से। तो आप सर्वाइवल में बनाएंगे तो मैं उसी तरह आपको करके दिखा रहा हूँ कि जिस तरह आप सर्वाइवल में बनाएंगे। तो आपको कम से कम 6 या 5 जितना मर्जी ऊंचा बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको उतने वो प्रोसेस करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो इधर एक और स्टोन लगा के एक चेस्ट लगा दिया। तो उसके बाद आपको ये सारे स्टोन तोड़ने हैं नीचे जाने के लिए। फिर आपको यहाँ पे एक रेड स्टोन लैम्प लगाना है उसके लेफ्ट साइड पर, चेस्ट के लेफ्ट साइड पर आपको रेड स्टोन लैम्प लगा देना है इसी तरीके से, इस तरह। इससे क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पे कोई फूड आ रहा होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा फूड आ रहा है। और प्लैंक्स यहाँ पे लगाने हैं। आप कौन सा मर्जी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं प्लैंक्स यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। और इस तरह होपर से सारे चेस्ट कनेक्ट करने हैं, ओके। देन आपको प्लैंक्स लेने हैं और एक एक ब्लॉक के फासले पर आपको लगा देने हैं। फिर रेड स्टोन कंपरेटर लगाना है इधर इस तरह, ये हो गया। तो फिर आपको वापस से अपने प्लैंक लेने हैं और इधर दो दो प्लैंक लगाने हैं और इधर रेडस्टोन कंपरेटर लगाना है। लेकिन ध्यान से लगाइएगा क्योंकि ये इसी सिक्वेंसी में होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ये वर्क नहीं करेगा। फिर रेडस्टोन डस्ट से आपको कनेक्ट कर देना है इनको आपस में। फिर प्लैंक लेने हैं, और एक गलत हो गया, नीचे लगाना था इधर, हाँ। तो इधर आपको वापस से लगाने हैं प्लैंक्स, एक साथ कनेक्ट करने हैं इनको आपस में। और फिर इधर ही वापस से रेडस्टोन कंपरेटर लगा देना और इनको डस्ट से कनेक्ट कर देना है, रेडस्टोन डस्ट। और फिर आपको इसके आगे वाली साइड पे आके देखना है, सेम यही लुक आ रही है, देखें पीछे से इस तरह है। और इसको अब आपने लगाने हैं प्लैंक्स इस साइड पे ताकि हम ऊपर क्लाइम कर सकें और इसकी लुक बना सकें। और फिर इसको ऊपर लैडर से लगा देना है। अब इसके ऊपर आप जा सकते हैं सर्वाइवल में भी, क्रिएटिव में ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी लगा के आपको बता दिया। और इधर प्लैंक्स लगाना है एक और एक उस साइड पे, इसको आपस में कनेक्ट कर देना, ओके। तो ये कनेक्ट हो गए हैं। अब इसकी फ्रंट साइड पे आके आप देख सकते हैं ये लुक आएगी। तो इसके बाद आपको बैक साइड पे जाना है, होपर वाली साइड पे। अभी मेन काम शुरू होगा यहाँ पे, होपर को होपर के साथ कनेक्ट करना है, प्लैंक के साथ ना कनेक्ट करिएगा, होपर को होपर के साथ इस तरह। और फिर इस सीधी लाइन में होपर लेके आएंगे जहाँ पे आपका फार्म है उस साइड पे इस तरह। और इसके लेफ्ट साइड पे भी लगाएंगे दो और राइट साइड पे एक ही लगाएंगे, राइट साइड पे हम एक ही लगाएंगे। उसके बाद आपको एक शवल लेना है और ये सारे डर्ट तोड़ देने हैं। मैं 2x कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो पाए। यहाँ पे गलती से ब्लॉक तोड़ दिए थे, वो मैं वापस से रिप्लेस कर दूँगा, वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया था। अब यहाँ पे आपको ट्रैप डोर लगाने हैं 4, इसको खड़ा कर देना इस तरह। और इसके अंदर आपको रखना है वाटर, ओके। तो एक साथ वाटर का लेवल होना चाहिए। फिर आपको रेडस्टोन से इसको पूरा कवर कर देना है ऊपर तक, आगे तक, इधर भी। और इस पे बीच में एक रेडस्टोन कंपरेटर लगाना है ताकि कनेक्शन लॉस ना हो पाए, ओके। तो रेडस्टोन डस्ट लगा दिया और इधर आपको लीवर लगा देना है ताकि हम इधर से आराम से करें तो पानी छूट जाए। अब ये देखें ये, और कैसे पानी आ इधर, अगर आपका कोई भी फूड होगा वो ऑटोमेटिकली होपर में जाके आपके चेस्टों में आ जाएगा, कोई बात नहीं। और जैसे ही लीवर ऊपर करेंगे तो वापस से देखें ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं अपना फूड सेटअप, फार्म सेटअप करते हैं। इधर हम वाटर डाल देते हैं, एक सेकेंड, एक मेरे पास नहीं थी, ओके। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं वापस से डर्ट, इस साइड पे भी वही करते हैं, ओके। तो अब हम होए से करते हैं अपना 2x कर दिए यहाँ पे भी ताकि बोर ना हो आप। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। और ये हम अपना फूड लगा रहे हैं, देख लें यार, मेरे से गलती बार बार हो रही है भाई साहब, बार बार एक ही यार मैं कर रहा हूँ गलती। तो कैरेट लगा दिए हैं हर जगह इधर, और अब ऊपर से देखते हैं। और मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से ताकि आप बोर ना पड़ें। और वोला ये देखें, पूरी हमारी फसल तैयार है,
अब आपको बस लीवर ऊपर करना है और ये देखिए सारा फूड आपके चेस्ट में आ जाएगा होपर से होके सीधा आपके चेस्ट। देखें लाइट जल रही है, इसका मतलब फूड आ रहा है। जैसे ही बंद होगी इसका मतलब फूड खत्म होगा, पूरा आ गया। देखें आपके चेस्ट में पूरा फूड आ गया और लाइट भी बंद हो गई। जितना फूड होगा ये ऊपर तक कलेक्ट कर जाएगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।